गणेश नाइक ने लॉन्च किया मोबाइल क्लिनिक। आयुक्त से मुलाकात में कई ज्वलंत मुद्दों पर भी की चर्चा। ऐरोली के बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज बेलापुर मनपा मुख्यालय में मोबाइल क्लिनिक एम्बुलेंस की लॉन्चिंग की। राज्य सरकार और विधायक निधि से यह मोबाइल क्लिनिक आम जनों को मुफ्त कोरोना जांच और उपचार उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया है। मोबाइल वैन में जांच उपकरणों के साथ ही औषधियां भी उपलब्ध कराई गई हैं, जो नागरिकों को मुफ्त में दी जाएंगी। इसका उद्घाटन करते हुए पूर्व मंत्री विधायक गणेश नाइक ने कहा कि हम लगातार कोरोना के लौटने की आशंका जता रहे थे, आज वही हो रहा है, इसलिए कोविड से बचाव और उपचार की पर्याप्त व्यवस्था जरूरी है। लोक नेता गणेश नाइक ने विश्वास जताया कि मोबाइल क्लिनिक नवम्बईकरों को मुफ्त कोरोना जाँच और आरोग्य सेवा देने में मददगार बनेगी। CSR माध्यमातून काही ऑर्गनायझेशनला जे फंड्स मिळाले त्याच्या अँगलमधून ही ॲम्ब्युलन्स काही दिवसांकरता ऐरोली मतदारसंघाकरता दिलेली आहे। आता ॲम्ब्युलन्स आणि गणेश नाईक याचं नातं फार जवळचं आहे, आनंद आहे या गोष्टीचा। आता ते किती दिवस ठेवतात तुम्हाला माहीत नाही, परंतु ज्याने कोणी ते देण्याचा विचार केला त्याला धन्यवाद। बता दें कि पूर्व मंत्री गणेश नाइक लॉकडाउन के काल से ही लगातार मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात कर रहे हैं और कोरोना उपचार सेवा सुविधाओं को मजबूत करने की मांग करते आ रहे हैं। आयुक्त से अपनी आज की साप्ताहिक मुलाकात में उन्होंने नवम्बई से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की और उनसे जवाब मांगा। उन्होंने थाने बेलापुर रोड पर बन रहे उड़ान पुलों को लेकर कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जीरो सिग्नलिंग के लक्ष्य में बाधा न आए। उन्होंने कोपरखेरना में अहिल्याबाई होलकर अस्पताल का निर्माण तेज करने और ऐरोली में बन रहे बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक के निर्माण में हो रही भयंकर धांधली पर भी सवाल उठाया और आयुक्त से जवाब मांगा। आइए सुनाते हैं गणेश नाइक ने और क्या कुछ कहा। कोपरखेरना में अहिल्या देवी होलकर बाल माता रुग्णालय है, उसका काम बहुत स्लो चल रहा है, उस पर ध्यान दिया गया नहीं और उसके वजह से बहुत डिले हो रहा है। कोपरखेरना में LIG के लोग ज़्यादा रहते हैं, लो इनकम ग्रुप के, तो वो बिल्डिंग जल्दी जल्दी पूरी हो जाए और लोगों को सुविधा मिले, वो मुद्दा उधर रखा गया। ऐरोली में जो उन्नत मार्ग उधर अपन गए थे, वो थाने बेलापुर रोड क्रॉसिंग करते टाइम में जीरो सिग्नल का जो अपना विचार है, उसके लिए जो कंसल्टेंट है महानगर पालिका के और MMRDA के कंसल्टेंट एक ही हैं, तो उनकी मीटिंग लगा के आगे चल के जीरो सिग्नल के लिए वो ब्रिज बाधा नहीं बनेगी, उस पर ध्यान देने का उनका ध्यान हमने आकर्षित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।